हाय गाइस, मेरा नाम शहबाद और आप देख रहे हैं टेकेरी सरन को। गाइस, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी। वो मैं आप कंप्लीट करने जा रहा हूँ। वो वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दिया था। अभी मैं कंप्लीटली आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये जो थी बात आती है ना लिस्टिंग की, जो प्रोडक्ट आपका लिस्टिंग करोगे उसमें वो किस तरीके से करोगे, ठीक है। ये तो चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा कि कैसे लिस्ट को हम सॉरी कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स को अपने ऐड करोगे इसमें। तो ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा तो अगर आपका बिजनेस ये जो बिगिनर है, टू बी बिगिनर, और बहुत ही इजिली तरीके से, मतलब बहुत शुरुआती तरीके से आप उसको करना चाहते हो, तो आप आपका प्रिंटर अगर है तो आप 4 या 5 प्रोडक्ट लेके, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आप बेचना चाहते हो, जिसके लगता है कि आपको थोड़े अमाउंट में हो जाए, चेक करना चाहते हो जिसमें मेरी लिस्टिंग होती है, मेरा ऑर्डर आएगा या नहीं होगा, तो 4 से 5 प्रोडक्ट लाके करें कि 4 से 5 प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आप सोचो कि मैं अभी इसको ऑर्डर आएगा तो डेफिनेटली आएगा, तो आपने शुरुआत की। या तो एक काम करो, ठीक है, मैं कहता हूँ एक काम करो, आप ऐसे वेंडर से आप डील करो कि वो जो प्रोडक्ट्स आप खरीद के रखना चाहते हैं उसके बजाय आप वेंडर से डील करके वो प्रोडक्ट्स को आप सिर्फ फोटो निकाल के, मतलब जो भी, या फिर अपने वेबसाइट से आप, मतलब वहीं से आप उसको लिस्ट करेंगे, उस चीज़ को नोट करके आप वेंडर से डील करो कि अगर मेरा प्रोडक्ट जैसे ही जो बायर होता है अगर लेता है ऑर्डर, मेरे पास आएगा, मैं आपके पास ले आके ले जाऊंगा, मतलब ऑन द स्पॉट, जैसे उधर से ऑर्डर आता है आपको और आप उसी टाइम उसके पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट लाके लिस्ट करके पैक करके, सॉरी लिस्ट नहीं, उसको पैक करके पूरी पैकिंग मटेरियल के साथ अच्छे से उसको कस्टमर को भेज दो, यहाँ से डिलीवरी दे दो, जो कस्टमर को मिलेगा उसके बाद जैसा रेट आएगा उसका, वो तो आपका होगा, बाकी का आप तो ये तो बच जाएगा कि पहले से खरीद के रखना। आप पहले से प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते इस, अगर आपका जो जहाँ से आप मैन्युफैक्चरर से या फिर आप होलसेलर से अगर आप खरीद के लाओगे, हाँ इतना अगर खरीद के लाते हो तो बाकी आपका पैसा तो वहाँ फंसा रहेगा। इससे अच्छा होगा कि आप कस्टमर से या फिर वेंडर से आप डील कर लो, कस्टमर को तो बात की बात है, आप वेंडर से डील करके अच्छे से उसे कि जैसे ही मेरा ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, और जिस ऑर्डर जितने ऑर्डर जितने क्वांटिटी का ऑर्डर आएगा वो मैं आपको पे कर दूंगा। आप लाके उसका जो आप पैकिंग मटेरियल होता है, पैकिंग मटेरियल से आप पैक करके उस कस्टमर के एड्रेस पे जैसा होता है आप उसको डिस्पैच करवा दो, वो भी आपका ये सही है अगर अच्छा वेंडर है तो अभी आप कर सकते हो, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए 4-5। या तो फिर अगर आपके पास बहुत ही, मतलब आप, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बैकग्राउंड या फिर आप पैसे से, अगर फाइनेंशियल से अगर आप मजबूत हो तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो, मतलब बल्क मिला के आप खरीद के, मतलब 10 से 15 50 आप प्रोडक्ट्स ला के खरीद को लिस्ट करके आप देते रहो, ऑर्डर हो जाएगा। अब ये नहीं होगा कि आप ऑर्डर ला के आप लिस्ट कर दिए तो आप बैठे रह जाएंगे, ना ऐसा नहीं होगा, डिफरेंटली आप ऑर्डर करो, आप लिस्ट करोगे तो ऑर्डर होगा ही होगा। तो ये रही, और ये बात ध्यान रखना कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि आपका जो जो भी आप लिस्ट करोगे, जैसे इम्पोर्टेड सामान हो गया जो चाइना से आप इम्पोर्ट करते हो, या फिर कहीं से भी हो गया, किसी का भी चीज़ एक्सेसरीज हो गया, तो उसको आप देखना कि ब्रांड नॉन ब्रांड आप देख के उसको करना, ऐड करना, वरना आपका जो भी चीज़ आप लिए दिए रहेंगे पहले से, जो भी रजिस्टर करवाएंगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका मतलब काम नहीं होने वाला फिर। तो अगर आपका ब्रांडेड चीज़ है तो उस पर मेंशन करिए, अगर आपका नॉन ब्रांड है, मतलब डुप्लीकेट चीज़ें हैं, कॉपी है, तो वो भी आप चीज़ जो कंपैटिबल में आता है वो से आप वहाँ पे आप मेंशन करोगे कि ये चीज़ मतलब इस तरीके के है, मैं इसको फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी करके मैं बेच रहा हूँ, आपको मेंशन करना पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ें आपका ब्रांड रहेगा तो ब्रांड का तो आप ऑटोमेटिक आप तो करोगे ही, तो इस चीज़ के आप ध्यान रखिएगा, नॉन ब्रांड और ब्रांड की चीज़ें ध्यान रहे, और आई होप कि बहुत ही अच्छा इसका सेल होगा। बस इतनी ही थी कि मैं तो कहता हूँ शुरुआत से करो, और जो वेंडर वाली बात मैंने बताया ना आपको, ये बहुत ही अच्छी काम करेगी। सपोज आप 2-3 फ़ोन आप लिस्ट करते हो, ठीक है, वही फ़ोन हो गया, कोई भी फ़ोन, 3 प्रोडक्ट के नाम हो गए, आप तीनों फ़ोन को आपने लिस्ट कर दिया, आपके पास अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी रहे याद कि आप लिस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट्स को जाके आप मार्केट में, जो आपका जो पहचान होगा,
जो आपके शॉप होगी, जो वेंडर होगा जो आपको देगा, उससे जाके बात करिएगा कि ऐसा मैटर है कि मैं जैसे ही डील होता है या फिर बायर आपसे आपके पास आता है या फिर ऑर्डर करता है, मैं वैसे ही आपसे प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, उसके बाद मैं वहां दूंगा ऑन द स्पॉट। तो ऐसे कर सकते हो, जैसे आया आपके पास ऑर्डर, वहाँ वेंडर के पास गए, आप वहाँ से लेके तुरंत उसको इसको पैक करके आप भेज दो। ऐसे भी आप कर सकते हो, यही चीज़ आपके लिए सही है। अगर आपके पास 10-15 बुक हैं, आप नहीं उसको आपके पास इतना मतलब स्टार्टिंग ऐसा आप देखना चाहते हो कि जीरो पर मैं चेक करना चाहता हूँ ऐसा, तो आप उसको भी रख के यहाँ भी चेक कर सकते हो इस तरीके से कि सारा चीज़ लाके आप रखने के अच्छे है कि आप वहाँ पे जाके बात करके आ जाइए और नाम बुक का जो भी चीज़ डिटेल्स होते हैं सब, जो भी ऑर्डर आएगा आपको पता चलेगा किस चीज़ का ऑर्डर आया है, आप जाके वहाँ परचेस करके फिर उनको आप भेज सकते हो। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। मैं एज ए शुरुआत मतलब टू बे बिगिनर, जो बिगिनर होते हैं ना जीरो से, और बहुत ही अच्छा होगा, यही चीज़ है, बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये आइडियाज़ और फिर ये चीज़ आपको आपके यूजफुल होंगे तो इसके लिए आप प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करके और वो वीडियो को जो रेड बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके आप नेक्स्ट वीडियो का आप नोटिफिकेशन मिल सकता है इससे।